नमस्कार दोस्तों, मैं शायरी सेट कैसे आप दोस्तों बड़े के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर सुंदर माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ आपसे चीजें मैंने करवानी है। कल सावन शुरू हो रहा है, कल है सोमवार, तो कल जो चीज आपको करवाऊंगी कुछ चीजें आपने इसको कंटिन्यूटी में करना है जिससे हमारी जिंदगी ठा हो जाए। सीधी बात, अगर जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी, कल मैंने वीडियो डाली थी, दो वीडियो कल डाली थी, परसों डाली थी, जो सावन के बारे में ही बताई थी। अगर आपने नहीं देखी तो इसका मतलब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मेरा दिल मत तोड़ो, है कि नहीं? तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दो यार, है? अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि कल आपने सारी चीजें जो बताई हैं वो चीजें तो करनी है, इसके साथ में अब आप क्या करोगे? आपने पहली चीज पीपल में जल देना है, 41 डेज तक लगातार देना है। कैसे देना है वो अब मैं आपको बताने जा रही हूं। पहली चीज तो आपने पानी में दूध, काले तिल, ठीक है, चीनी डालकर इसको पीपल पे जल देना है। जब आप ये जल दे दोगे, इसके साथ वो जो कच्चा सूत होता है, तीन बार उसका घुमा के उसको बांध दोगे। जो भी अपनी मनोकामना है, जो भी अपनी समस्या है, उसको मन में रख के। दूसरी चीज, अब हम जब ये सारी चीजें कर रहे हैं वो तो बात ठीक है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं प्लैनेट्स को भी तो, ग्रह को भी तो ठीक करना है, क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो किस पे चल रही है? ग्रह पे। ग्रह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव है वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। सीधी सी बात है। तो अब आपने दूसरी चीज क्या करनी है? नौ बारी ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इस चीज का आपने जप करना है। नवग्रह जो करना है आपने करना है। फिर बोलती हूं, चलो, मुझे कोई डर नहीं लगता किसी से। ये पाखंड की जो दुकानें हैं इसको बंद करवा दो, इसको हम ही कहीं ना कहीं स्टॉप कर पाएंगे। ये पूजा करा, हम यहां पर बैठकर आपकी पूजा करेंगे, हैं? फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं ये लोग, फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, पता है? पूजा करेंगे, शांति हम आपकी कर देंगे, है ना? धनवर्षा पोटली ले लो, कछुए की रिंग ले लो, कौड़ियां ले लो, इनको तो कोई ना कोई चीज चाहिए। सूर्य ग्रहण पे ये हो गया, चंद्र ग्रहण पे ये हो गया, है? उसके बाद क्या कहते हैं, पहले होली आएगी, होली पे चीजें डराएंगे, होली, दिवाली, न्यू ईयर, ये वो, बस कि इनकी कहते हैं ना, और पैसा चाहिए। ये चीज है, असल मुद्दा ये है पाशा लोगों, आप जब तक खुद नहीं करोगे कोई बात नहीं बनने वाली, कोई बात नहीं बनने वाली। कब समझोगे? हर रोज बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, इतना शोर मचाऊंगी कि दूर दूर तक गूंज जाएगी। मैं कहती, मेरे ये वीडियो देखकर एक बंदा, दो बंदे भी बच गए ना, मेरी सक्सेस है। सीधी बात है, कैसे काम बन रहे हैं? खुद कर रहे हैं तो बन रहे हैं, नहीं करोगे नहीं बात बनेगी। स्कीम्स देंगे फंसाने की, मत फंसना। हर चीज हमारे अंदर है। आपको एक चीज बताऊं, पहली चीज बड़ी जरूरी चीज बताती हूं, चलो। हमारा जो जीवन शैनी, जो जीवन हमारा चलता है, किस पे आधारित है? सात चक्रा पे। जो मूलाधार चक्र होता है ना, वहां पर गणपति जी का वो स्थान होता है। हमारे शरीर में ही तो सब कुछ है, जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, तो हम क्यों भटकते हैं? और जो मूलाधार चक्रा होता है वो हमारी लाइफ को स्टेबिलिटी देता है। मूलाधार चक्रा पे ही तो गणपति जी विराजित है। जब हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है, जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर तो ये चीजें आ रही हैं, तो अब आपने क्या करना है? आप अपने मूलाधार चक्रा पे ओम गण गणपते जप 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 करना शुरू कर दो। अगर लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही तो ये चीज करनी शुरू करो, कैसे बात नहीं बनेगी। अब एक और चीज बता देती हूं, कल जब सावन पे शिव जी की आराधना और बाकी चीजें करना शुरू करोगे, इससे सबसे पहले गणेश जी की आराधना करना, सबसे पहले उनको चंदन का तिलक लगाना।
शिव के बिना शक्ति की आराधना अधूरी, शक्ति के बिना शिव की आराधना अधूरी। समझे मेरी बात को? तो शिव और शक्ति पार्वती माँ, जो शिव परिवार है उनका उनका ध्यान करना, उनको याद करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये चीजें अधूरी रह जाएगी। शिव परिवार में कार्तिकेय जी, गणेश जी, जितने उनके वाहन हैं सॉरी, इन सब की आराधना करनी जरूरी है। अब एक और चीज आपको बता देती हूं, जब आप कल अगर आपको कठिनाइयां कहते हैं ना, नहीं पीछा छोड़ रही पाशा लोगों, करना तो पड़ेगा यार, करना तो पड़ेगा, इजी वे आउट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये पोटली ले लो, ये ले लो, स्टोन ले लो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बेवकूफ मत बनो। अब एक चीज बता देती हूं, अर्गला स्तोत्र बैठकर, कल शिवलिंग के पास अर्गला स्तोत्र बैठकर पढ़ना शुरू करना, जबरदस्त इफेक्ट आएगा। दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ सकते हो पूरा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त रिजल्ट देगा। एक और चीज बताऊ, एक मेरी बात मान के, जो सिद्ध गुंजिक कुंजिका स्तोत्र है उसका उसका पाठ करना शुरू कर दो, आपकी प्रॉब्लम्स ना हल हो गई तो बोलना, इतना जबरदस्त इफेक्ट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये चीजें करो, बस यही चीजें करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज बता देती हूँ, वैसे तो ये मैं परसों बताऊंगी, लेकिन एक और चीज बता देती हूँ कि आपने मंगलवार को पार्वती माँ गौरी का दिन होएगा। अब मंडे को तो आप करोगे ही करोगे शिव जी का, ट्यूसडे को जिनको भी विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह होने में दिक्कत आ रही है, विवाह टिकने में दिक्कत आ रही है, वो गौरी माँ, 9 दीपक जलाने, घी के दीपक जलाने केसर डाल के, और ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम, अर्गला स्तोत्र का पाठ करो, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करो। कैसे चीज नहीं बनती, सब बन जाएगी, करके तो देखो यार पाशा लोगों, बस करो, है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो यार, मेरा दिल मत तोड़ो, है कि नहीं? और लाइक करो, लाइक लाइक लाइक, आप मुझे लाइक करोगे यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और डिसलाइक वालो यार, तुमसे तो मैं बात कर चुकी, इतना बेवकूफ पाखंडी लोग, क्या गलत बोल रही हूँ तुमको, फीलिंग्स के साथ खेलते हो, अक्कल 1% की भी नहीं, सच्ची बता रही हूँ, है ये चीजें होती है, ये एस्ट्रोलॉजी है क्या, ये है ज्योतिष, ये ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष ये चीज नहीं है, सीधी बात है, ज्योतिष ज्योति दिखाना, लूटपाट और पैसा चाहिए, ये तुम्हारा लोगो है, स्लोगन है कि नहीं? चलो पाशा लोगो, शेयर करो यार, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए, मैं कहती ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।